शिक्षा खंड बनीखेत की प्राथमिक पाठशाला अंगलोट में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए वहां के शिक्षकों ने एक अनूठी पहल की है। बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए वहां पर कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है कौन बनेगा ज्ञान धनपति। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम के दूसरे अंक का सफल आयोजन किया गया। पाठशाला प्रभारी श्याम अजनबी ने बताया कि इस कार्यक्रम में पाठशाला के 3 छात्रों अरुण कुमार, भावना और अभिनव ने भाग लिया और इसके साथ साथ खजियार से आए एक नन्हे से बच्चे नक्श ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण फेसबुक लाइव के माध्यम से किया गया। बच्चों ने इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया और 2 छात्रों ने इसमें उच्चतम इनाम प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में श्याम अजनबी ने होस्ट की भूमिका निभाई और सहायक अध्यापिका सपना कुमारी ने तकनीकी योगदान दिया। कार्यक्रम के फेसबुक लाइव होने से इसे बहुत वाहवाही मिल रही है और लोग इस कार्यक्रम को बहुत प्यार दे रहे हैं। कार्यक्रम को जिला परियोजना अधिकारी डाइट चंबा राजेश शर्मा जी ने और मीडिया समन्वयक डॉक्टर कविता बिजलवान ने खूब सराहा और सोशल मीडिया के माध्यम से स्कूल की टीम को बधाई दी। श्याम अजनबी ने आगे बताया कि ये कार्यक्रम हर महीने अंतिम शनिवार को किया जाता है। इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान के प्रश्न डाइट चंबा द्वारा प्रकाशित पुस्तक बाल ज्ञान तरंग पर आधारित रहते हैं। अब तक हुए 2 अंकों में 4 बच्चों को ज्ञान धनपति बनाया जा चुका है, जिसके लिए इनाम के रूप में ड्रॉइंग किट और सर्टिफिकेट बच्चों को दिए जा चुके हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत में सेब उत्पादन में किस राज्य का दूसरा स्थान है? सेब उत्पादन, सेब खाते हैं आप? कड़वा होता है, कैसा होता है? मीठा होता है सेब, ठीक है। तो हिमाचल अपना भारत में सेब उत्पादन में किस राज्य का स्थान दूसरा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी हरियाणा। जो से मुझे लगता है ये ऑप्शन नाराज हो जाएंगे, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, पक्का लॉक किया जाए? कंप्यूटर महोदय ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश को लॉक किया जाए। ये बिल्कुल सही जवाब है, 14 तालियां इस बच्चे के लिए। 7वां प्रश्न भी आप सही जवाब दे चुके हैं। 7वें प्रश्न का, हिमाचल प्रदेश का सेब उत्पादन में दूसरा स्थान है पूरे भारतवर्ष में और पहले नंबर पे जो राज्य है वो है जम्मू। ओके, जम्मू जो है सेब उत्पादन में नंबर 1 पे है और दूसरा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 8वां प्रश्न, दूसरे पड़ाव का अंतिम प्रश्न, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन ए मनाली, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी भरमौर, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। सोच समझ के जवाब देना है। सही जवाब आपको ले जाएगा हिंदी की नोटबुक पे, गलत जवाब आपको नीचे ले जाएगा 5 रुपए के जेल पेन पे। ऑप्शन डी लाहौल स्पीति, पक्का ताला लगाया जाए? कंप्यूटर महोदय ऑप्शन डी लाहौल स्पीति को लॉक किया जाए। नक्श जी ये कह रहे हैं कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में है। ये बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, इसके लिए 14 तालियां। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ओके, सबसे बड़ा ग्लेशियर एशिया का बड़ा शिगड़ी और वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है, है ना। सर, मैं श्याम अजनबी, प्रभारी राजकीय प्राथमिक पाठशाला अंगलोट, शिक्षा खंड बनीखेत। आज हमारी पाठशाला में कौन बनेगा ज्ञान धनपति कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड चलाया गया। इस एपिसोड में हमने बच्चों से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम की रूपरेखा को फॉलो करता है और इसमें अगर बच्चा 15 प्रश्नों के जवाब सही देता है तो उसको कौन बनेगा ज्ञानपति का विजेता घोषित किया जाता है और उसको ज्ञान धनपति बनाया जाता है। आज के हमारे कार्यक्रम में 3 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2 बच्चों ने ज्ञान धनपति का खिताब जीता। 15 प्रश्नों के जवाब उन्होंने सही दिए और जो 15 प्रश्नों के सही जवाब देने के उसमें जो इनको इनाम राशि दी जाती है, जो इनाम दिया जाता है वो दिया जाता है ड्राइंग किट, तो वो उन 2 बच्चों को दी गई। तो
इस कार्यक्रम की हमारे दिमाग में एक कैसे आया ख्याल, ये आप मेरे हाथ में बाल ज्ञान तरंग पुस्तक देख रहे होंगे, डाइट चंबा की तरफ से ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में हमारे जो प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं पहली से पाँचवीं तक के, उनके लेवल का सामान्य ज्ञान इसमें है। तो इस किताब को जब हम लोगों ने बनाया डाइट में, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये किताब भी बाकी किताबों की तरह कहीं अलमारियों में पैक ही ना रह जाए। तो उसके चलते मैंने ये अपने लेवल पे सोचा कि इसको क्यों ना एक नया रूप दिया जाए जिसे बच्चे खेल खेल में सीखें। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं, तीसरी से पाँचवीं के जो बच्चे हैं, वो लगभग इस किताब को आधी याद कर चुके हैं। तो मेरा यही मोटिव था कि इन बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए, आगे से इस कार्यक्रम को ब्लॉक लेवल तक ले जाने की भी हमारी कोशिश रहेगी, जिसके लिए उच्च अधिकारियों ने भी अपना सकारात्मक रवैया इसके लिए अपनाया है।